हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज इस वीडियो में जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जिस एनिमेशन मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, उस मूवी का नाम है सील टीम। इस वीडियो को आगे बढ़ने से मैं पहले यही कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो अपलोड या बनाने के लिए। तो बात करूं मैं इस मूवी की, तो इस मूवी को मैं फर्स्ट लाइन पे यही करूंगा, एनिमेशन मूवी के लिए थम्स अप। फिल्म के नाम से पता है ये फिल्म जो है वो सील को प्रेजेंट कर रही है, सील से ही रिलेटेड है। तो फिल्म स्टार्ट होती है एक आइलैंड से जहाँ पर सील रह रहे होते हैं। उनका एक आइलैंड होता है, उन्हें खाने की तंगी होती है, वो खाने के लिए अच्छी फूड नहीं मिलते क्योंकि समुद्र में शार्क होती हैं जो इनको मछली पकड़ने या मछली पकड़ के खाने के लिए नहीं मिलती है। दोनों के आपस में टकरार होती है, उसमें से दो ऐसे होते हैं सील जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड होते हैं। वो कोशिश करते हैं जाके, और उनमें से एक फ्रेंड की ऐसी दिखाई गई है कि वहाँ पर शार्क उसे खा जाता है। उसके बाद जो दोस्त होता है वो शार्क से लड़ने के लिए कुछ टेक्निक्स कुछ ट्रिक्स सीखने के लिए कुछ लोगों के पास जाता है। उसके बाद जो दोनों के बीच में भिड़ंत होती है, आगे क्या क्या होगा, सील उसे बचा पाते हैं, उस खाने को पा पाते हैं कि नहीं, इसी पर पूरी फिल्म बेस्ड है। स्टोरी इसकी यही है। बात करूँ इस मूवी की, तो इस मूवी को इस प्रकार हमारे पास प्रेजेंट किया गया, एनिमेशन मूवी को आप लोग कहीं आप बोरियत फील नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर हैंडी लॉग जो डायलॉग्स वन लाइंस लिखे गए हैं वो काफी अच्छे हैं, मतलब कि डब जो किया वो काफी बेहतरीन है, कहीं ना कहीं आपको बोर नहीं करने देती है। मगर मुझे इसकी जो मूवी की उसकी ड्रॉप बॉल लगती है वो है इसकी एनिमेशन की जो क्वालिटी है वो, क्योंकि आपको अगर कुछ महीनों पहले इनकांटो आप लोगों को होगा, अभी डिज्नी हॉटस्टार पर भी अवेलेबल है हिंदी पर, आप जाके उसे देख सकते हैं। उस मूवी की आप अगर जो कार्टून की क्वालिटी जो 3D एनिमेशन उसमें दिया गया था उसकी मुकाबले में ये कहीं ना कहीं वहाँ पर खड़ी नहीं कर पाती है हमारी नज़रों के सामने, वो हमारे कुछ ना कुछ वो नज़र पे खल जाती है। बाकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म कहीं भी आपको ड्रॉप नॉच नहीं देगी। स्टोरी जो आपको वो मैंने बताई वही है, आप लोगों को नहीं वो बोर नहीं करेगी। बाकी जो एनिमेशन है मुझे इस फिल्म से यही है कि जो एनिमेशन है वो थोड़ी अच्छी हो सकती थी, बाकी जो उसकी वन लाइन जो पंच है वो काफ़ी बेहतरीन है, स्टोरी के साथ साथ आप लोगों को जकड़े रखती है। और कहीं ना कहीं एनिमेशन मूवी से आप जो सोचते हैं कि उस मूवी में ड्रामा हो कॉमेडी हो एक्शन हो वो यहीं भरपूर मिल जाता है आप लोगों को। तो ये मूवी हमें ये तीनों जो पैकेज है वो साथ ही साथ काफ़ी बेहतरीन लेवल से प्रेजेंट करती है हमारे मोबाइल स्क्रीन पे OTT पे, जहाँ भी आप देखना चाहें आप जाके उस मूवी को जरूर देखिए अगर आप एनिमेशन लवर हैं तो। और इसी के साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पर, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, बने रहिएगा मेरे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट के लिए।